सभी पशुपालक भाइयों को, वेटनरी स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर लोगों को, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्रोलैप्स की जो सही ट्रीटमेंट है, जो पूरी ट्रीटमेंट है वो क्या है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो आज की ये जो पूरी क्लास है ये प्रोलैप्स के ऊपर होने वाली है, चाहे वो रेक्टम का प्रोलैप्स हो चाहे वो यूट्राइन प्रोलैप्स हो। दोनों तरह की कंडीशन होती है पशु में प्रोलैप्स की, तो दोनों कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या उसमें सिम्टम्स आएंगे और फील्ड में हमें क्या डायग्नोसिस करना है और उस बेस पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, पूरा मैं आपको एक एक हर एक जो जानकारी है वो डीपली देने वाला हूँ। और ये जो क्लास है ये आपके लिए डेमो क्लास है हमारे कोर्स की, जो हमारा ये कोर्स आने वाला है जिसमें हम वेटनरी मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम जैसे आज की जो क्लास है इसी वे में आपको पूरी की पूरी जो क्लासेस है वो मिलेगी, जिसमें हम गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़े के जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि वो बीमारियां कैसे होती है, क्या उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या बीमारी के कारण होते हैं, कैसे हम बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो करंट सिचुएशन में और क्या ट्रीटमेंट हम फील्ड में करते हैं। अगर आप भी उस ट्रीटमेंट को करते हो तो आपको 100% जो है वो हमें रिजल्ट मतलब फील्ड में देखने को मिल जाता है। तो आज की इस क्लास को आपने पूरा देखना है। अगर आपको समझ में आए, पीडीएफ फाइल जो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस क्लास के आखिर में मैं आपको बता दूंगा इसका प्राइस क्या है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये हमारी जो है कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इस क्लास को पूरा देखो। ये क्लास आपके लिए डेमो क्लास है और बिल्कुल फ्री क्लास है। तो चलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं योनि और गर्भाशय का बाहर आना, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों के और पशुपालक भाइयों के और प्रैक्टिशनरों के मुझे कमेंट आया कि सर प्रोलैप्स के बारे में आप हमें एक पूरा वीडियो बनाकर दिखाओ कि ऐसे हम क्या ट्रीटमेंट करें जिससे पशुओं की जान भी कम जाए और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सफल हो जाए, क्योंकि प्रोलैप्स के केस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ओके, तो देखिए प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस, एक तो होता है हमारा पशु में रेक्टम प्रोलैप्स जिसके अंदर पशु का रेक्टम बाहर आ जाता है, एक होता है यूट्राइन प्रोलैप्स जिसमें पशु का यूट्रस सर्विक्स हर एक चीज़ें बाहर हमें देखने को मिल जाती हैं। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी बीमारी का, जिस भी बीमारी के बारे में आप डायग्नोसिस कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है। तो देखिए ये जो बीमारी है प्रोलैप्स की बीमारी, अगर साधारण शब्दों में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि गाय भैंस का जो गर्भाशय होता है या गोट शीप का जो गर्भाशय होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर उलट जाता है। उसी तरह से जो रेक्टम प्रोलैप्स है, पशु का जो गुदा द्वार होता है वहाँ से सारा की सारा जो गुदा द्वार होता है उसके अंदर से पूरा की पूरा जो रेक्टम वॉल होती है वो बाहर आ जाती है, एनस के माध्यम से बाहर आ जाती है। तो ये दो तरीके का जो है वो प्रोलैप्स होता है, किस स्थिति में होता है ये भी हम बात करेंगे। अब देखिए बिल्कुल हिंदी में मैं आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में पीडीएफ लेकर आया है, देखिए समझिए आप रोग का परिचय। प्रोलैप्स में स्थिति दो तरह से होती है, एक होता है यूट्राइन प्रोलैप्स और दूसरा होता है हमारा रेक्टम प्रोलैप्स, दो तरह का होता है। अब देखिए यूट्राइन प्रोलैप्स होगा ये ज़्यादातर फीमेल में होगा, यानी कि फीमेल जो एनिमल है जैसे कैटल है, बुफेलो है, गोट है, सीप है, कुतिया है, बिच है, तो इनमें हमें यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। और ये जो रेक्टम प्रोलैप्स होता है, ठीक है, रेक्टम प्रोलैप्स हमें दोनों स्पीसीज में देखने को मिलता है, यानी कि गाय में भी देखने को मिलता है और बैल में भी देखने को मिलता है, ठीक है जी। जबकि जो बैल होता है उसमें सिर्फ रेक्टम प्रोलैप्स ही होता है, ठीक है जी, क्योंकि जो बैल होता है हमारा और जो बुल होता है उसमें रेक्टम प्रोलैप्स के केस अधिक देखने को मिलते हैं। और ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स होता है ये हमें गाय भैंस भेड़ बकरी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो देखिए समझिए इसको, पशु के गर्भाशय का और योनि का अंदर से बाहर की ओर आना और उलट जाना,
ये कहलाता है प्रोलैप्स। कई बार ये नॉर्मल स्टेज का होता है और कई बार इसकी जो स्टेज है वो गंभीर हो जाती है। अब देखिए किस टाइम पर सबसे ज़्यादा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि गर्भाशय पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा शरीर के बाहर आ जाता है। यानी कि कई बार मान लीजिए जैसे ये पशु का एनस है और या तो आप समझ लो कि ये गाय भैंस का वजाइना है, तो यहाँ से कई बार इस तरीके से जो अंदर बच्चेदानी होती है वो आ जाती है। कई बार ये जैसे कम है और थोड़ा सा इस तरह से वजन पड़ेगा तो और गिर जाएगी, अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा बाहर को आती जाएगी। इस तरह से कई बार ये कम होता है और कई बार बहुत अधिक हो जाता है मतलब पशु में, ठीक है जी। उसी तरह से रेक्टम प्रोलैप्स है, पशु का रेक्टम बाहर की ओर उलट जाता है। ये दो कंडीशन होती है पशु में प्रोलैप्स की और बहुत दोनों ही बहुत गंभीर होती है। ये देखिए यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर ये पशु का रेक्टम है, जिस स्थान से पशु गोबर करता है वो स्थान होता है रेक्टम का, जहाँ से आप एआई करने के लिए हाथ डालते हैं तो वहाँ से ये जो रेक्टम वॉल होती है जो अंदर का भाग होता है वो बाहर आ जाता है। ये देखिए आप, तो ये होता है रेक्टम प्रोलैप्स। दूसरा यहाँ पर देखिए आप, ये जो हिस्सा है ये है वेजाइना और जो वल्वा के माध्यम से सारा जो बच्चेदानी होती है सर्विक्स वगैरह, या जो आप देख रहे हैं ये ऑस है यानी कि सर्विक्स का मुंह है, ये है यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स में आपकी कैटल की सर्विक्स भी आएगा, यूट्रस भी आएगा, और जब गाय प्रेग्नेंट होती है या जो भैंस है वो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट पशु में जब हमें ज़्यादा कंडीशन में देखने को मिलता है तो क्या होता है कि जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, या प्रसव के बाद जब प्रोलैप्स होता है बहुत अधिक मात्रा में तब हमें जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये आप समझ गए, गोबर वाले स्थान का हिस्सा जब बाहर आता है तो वो रेक्टम प्रोलैप्स होता है, और जहाँ से पशु पेशाब करता है या जहाँ से पशु को हम सीमन लगाते हैं, यूट्रस वगैरह बाहर आ जाता है, तो वो होता है हमारा यूटेराइन प्रोलैप्स। ये दो कंडीशन का प्रोलैप्स है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हमें ये याद रखना है इस रोग के कारण क्या है, यानी कि प्रोलैप्स किस कंडीशन से पशु में होता है। देखिए पशुओं में कैल्शियम की कमी का होना, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं पशुओं की जो हड्डियाँ होती है उसमें होता है कैल्शियम, मांसपेशियों में भी जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल डायलेट हो जाता है, यानी कि मांसपेशियों का जो संकुचित होना चाहिए वो बहुत अधिक इनक्रीज हो जाता है संकुचन। यानी कि जब अधिक मात्रा में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पशु में प्रोलैप्स की दिक्कत आएगी। उसके बाद दूसरे स्थान पर है प्रेग्नेंट पशु बहुत अधिक कमज़ोर है, जैसे वीकनेस है प्रेग्नेंट पशु में, उस कंडीशन में भी डिस्टोकिया की स्थिति में बच्चे को ज़बरदस्ती खींचने के लिए, डिस्टोकिया की कंडीशन आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं फील्ड में कि कई बार बच्चा नहीं निकल रहा होता है, तो बहुत अधिक मात्रा में आप जोर लगाते हो, जोर लगाने की वजह से उसके बाद की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि कई बार वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिसीमिया की कंडीशन बन जाती है, तो उस कंडीशन से भी पशु में प्रोलैप्स की समस्या आती है। उसके बाद क्या है कि लंबे समय से पशु की जेर ना गिर रही हो या हाथों के माध्यम से उसे निकाला गया हो, उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स की शिकायत होती है। पाँचवें नंबर पर है पशु के शरीर के अंदर मिनरल मिक्सचर की कमी होना या समय से डिवर्मिंग का ना होना। ये छोटे छोटे कारण हैं जिन वजह से प्रोलैप्स की समस्या आती है। अगर आप टाइम टू टाइम पशु को डिवर्मिंग कराते रहते हैं, पेट के कीड़े की दवाई खिलाते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसको कैल्शियम ऑरली या फिर मिनरल मिक्सचर के पाउडर्स टाइम टू टाइम अगर देते रहते हैं तो क्या होता है कि प्रोलैप्स की समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु का गर्भाशय बहुत अधिक संकुचित हो गया है, संकुचित माने कि डायलिटेशन हो गई है उसमें, ठीक है जी, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलिटेशन ऑफ यूट्रस, डायलिटेशन ऑफ ऑस, संकुचित मतलब ढीला ढाला सा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स की समस्या आती है। पशु की गौशाला में जो फर्श होता है, जो नीचे फर्श होता है जहाँ पर कि ढलान पीछे की ओर अधिक होने की वजह से भी प्रोलैप्स की जो शिकायत है वो होती है। ये सात मेजर इम्पॉर्टेंट कारण है कि पशु में प्रोलैप्स की समस्या
आएगी ही आएगी। अगर इन सभी कारणों को आप पूरा करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम पशु को कैल्शियम खिलाते हैं, डिवर्मिंग करवाते हैं, मिनरल मिक्सचर देते रहते हैं, और जो आपका वीक है पशु उसको आप सही रखते हैं, यानी कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सही रहती है, साथ ही साथ जेयर टाइम से निकालनी है पशु की, और ये भी ध्यान रखना है कि जब डिस्टोकिया की कंडीशन आती है तो जोर ज़बरदस्ती पशु में ना करके आप एक्सपीरियंस हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में डिस्टोकिया को हैंडल करो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आसानी के साथ भी डिस्टोकिया के केस को हैंडल किया जा सकता है और वही आपको करना है। अगर आप इन सभी कंडीशन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इन समस्याओं को दूर करते हैं, तो पशु में कभी भी प्रोलैप्स की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं रोग के लक्षण, यानी कि प्रोलैप्स जो बीमारी है, प्रोलैप्स जो बीमारी है वो क्या सिम्टम्स शो करता है पशु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलैप्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि जो पशु की बच्चेदानी है, चाहे रेक्टम प्रोलैप्स हो या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स हो, किसी भी कंडीशन का प्रोलैप्स हो, क्या होगा, उसका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ होगा और लाल कलर का होगा, रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। आप देख के पता लगा सकते हैं कि अगर पशु का हल्का सा भी पेट आपको हल्का सा भी देखने को लग रहा है कि बाहर की ओर है, तो आप समझ जाइएगा कि पशु में प्रोलैप्स की दिक्कत हो गई है। अब देखिए, पशु का बार बार उठना बैठना एवं बहुत अधिक जोर लगाना, कई बार पशु गोबर करने के लिए, पेशाब करने के लिए बहुत अधिक जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, उस कंडीशन में भी आप समझ जाइएगा कि प्रोलैप्स की कंडीशन हो सकती है, तो आपने अवेयर रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं पशु के गर्भाशय का या योनि का या रेक्टम का शरीर से बाहर उलटना। वही मैंने आपको चीज़ बताई, बाहर उलटने का मतलब ये है कि जैसे रेक्टम बाहर आ गया है, जैसे इस इमेज में हमने देखा, ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से हल्का सा भी अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर जो वेजाइना है, वल्वा है, सर्विक्स का ओस है वो बाहर आ गया है, या रेक्टम की जो हल्की सी वॉल है वो बाहर आ गई है, आपको लग जाएगा इजी वे में पता, तो ये सिम्टम जब आपको शो होंगे तो आप समझ जाइएगा कि प्रोलैप्स की समस्या है पशु में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं गर्भाशय पर गंदगी बहुत अधिक लग जाने के कारण सूजन आ जाती है। अब देखिए, प्रोलैप्स की समस्या है जब अंदर का जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं जब वो बाहर आते हैं, एकदम हवा के संपर्क में आते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि पशु बैठेगा, उठेगा, ठीक है, उस पर कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, तो वहाँ पर गंदगी लग जाती है। जब गंदगी वहाँ पर लगेगी उस प्रोलैप्स के हिस्से पर, जो बच्चेदानी होगी सर्विक्स के ऊपर, कॉटिलीडन्स के ऊपर, तो क्या होगा, वहाँ पर हाई अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में स्वेलिंग आएगी। अब पशु में अगर देखिए, अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है तो पेशाब करने में भी पशु को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसके अलावा क्या होगा कि शुरू में, जैसे ही मतलब शुरुआती स्टेज में प्रोलैप्स की समस्या है, तो गर्भाशय का बाहर निकला हुआ भाग लाल रंग का दिखाई देता है, बाद में हवा के संपर्क में आने के कारण नीले रंग का दिखाई पड़ता है। जैसे ही नया नया जब आप एकदम से देखेंगे आपके पशु को इस तरह की समस्या आ रही है, तो बिल्कुल रेड लाल कलर का होगा, बट अगर आप कम टाइम पे देख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो नीले कलर का हो जाएगा। जैसे हवा के संपर्क में कोई भी चीज़ आती है तो वो रेड कलर छोड़कर, कोई भी टिश्यू जब आपका होता है तो हमेशा रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे जैसे उसमें हमें कलर्स चेंज देखने को मिलता है तो वो नीले कलर का हो जाएगा, जो प्रोलैप्स रेड कलर का था वो नीले कलर का हो जाएगा। किस कंडीशन में ही हमें देखने को मिलता है, हर एक कंडीशन में नहीं मिलता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने ज़्यादा टाइम तक ये जो प्रोलैप्स की समस्या, मान लो 2-3 दिन तक पशु का जो पेट है वो बाहर रहता है, तो वो क्या होता है कि वो सूखना शुरू हो जाएगा, हवा में संपर्क में आने के बाद वो सूखना शुरू हो जाएगा, और जब सूख जाएगा तो वो टिश्यू जो है, जो उत्तक हैं वो डेड हो जाएंगे, और जो चमड़ी है वो सूख कर सड़ना शुरू हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि पशु के गर्भाशय के निकले भाग पर गोल गोल बटन जैसे दिखाई देते हैं, और उन्हीं को हम कॉटिलीडन्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप प्रोलैप्स को हैंडल करते हैं तो आपको बटन के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो बटन के आकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो होते हैं कॉटिलीडन्स, ठीक है। कई बार आप जब जेर निकालते हैं तो जेर में भी आपको कॉटिलीडन्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं
चोट रगड़ लगने के कारण बहुत अधिक खून का स्राव यानी कि बहना और लंबे समय तक पशु जमीन पर लेटा रहता है। देखिए, जिस जब भी डिस्टोकिया, प्रोलैप्स, इस तरह की कंडीशंस पशु में आती है तो एक तो पशु को अधिक मात्रा में, हाई अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है और दर्द होना होता है, पशु शॉक की स्थिति में चला जाता है। और अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं, गंदगी में हाथ डालते हैं और ऐसे ही हर तरीके गलत तरीके से उसको हैंडल करते हो तो पशु को टॉक्सिसीमिया हो जाता है और पशु की डेथ हो जाती है। इसलिए प्रोलैप्स का केस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना है, प्रॉपर ग्लव्स डालने हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगानी है, लिग्नोकेन जेली का उपयोग करना है, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं अंदर के, अगर हल्की सी भी गलती आप करते हैं तो पशु की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि रोग का डायग्नोसिस क्या है। तो इसमें कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, कोई आपको स्पेशल कुछ भी नहीं है, सिंपली ये जो हमने सिम्टम्स देखे, लक्षण देखे, इन्हीं के आधार पर आप इस बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये आप देख लेना, बिल्कुल इजी वे में आपको मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि फील्ड में अगर आप जाएँ तो आपको ऐसा लगे कि ये केस तो मैं हर रोज़ हैंडल करता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोलैप्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आज कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लासेस तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारी जानकारी दी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं रोग के इलाज के बारे में। काफ़ी सारे लोग सिर्फ ट्रीटमेंट देखने के लिए आते हैं, बट ट्रीटमेंट करने से पहले बीमारी का पता होना चाहिए, कौन सी बीमारी है, उस कैसे फैलती है, क्या उसके कारण है, सिम्टम है, डायग्नोसिस है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे को पता है नहीं कि बीमारी कौन है और मैं इलाज करने जा रहा हूँ तो कोई भी फायदा नहीं होगा अगर डायग्नोसिस गलत है, ट्रीटमेंट कभी भी काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, प्रोलैप्स की कंडीशंस जब मिलती है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही प्रोलैप्स की कंडीशन दिखती है तो आप वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तुरंत से इलाज शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि निकले हुए भाग को, जो निकला हुआ भाग है उसको जितना जल्दी आप अंदर डालोगे, यानी कि जितना कम समय हवा के संपर्क में वो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आपको लगे आपके सामने केस है, तुरंत से अपने आप को मेंटेन करो, ग्लव्स वगैरह, एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ और जो प्रोलैप्स है उसको देखो अच्छी तरह से, कितना निकला हुआ है, क्या उसकी कंडीशंस है प्रॉपर वे में, और जो बाहर का हिस्सा है उसको देखो तुरंत कि किस तरह से उसको अंदर किया जा सकता है। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है, पोटास लेना है और उसका 0.1% पोटास पानी में अच्छी तरह से घोलना है, और जो प्रोलैप्स है जितना हिस्सा बाहर है तो चारों साइड से उसको अच्छी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करना है। ऐसे रफली नहीं करना है, शांति से करना है, आराम आराम से करना है ताकि पशु को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। और इस तरह से भी नहीं करना है कि जैसे ब्लड आ गया है तो ब्लड लॉस की कंडीशन भी बहुत होती है, एक बार अगर ब्लड आना शुरू हो गया है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गर्भाशय का जो आकार होता है उसको छोटा करने के लिए आप या तो ठंडे वाटर का उपयोग कर सकते हो या बर्फ़ की छोटी सिलियाँ ले सकते हो और उनको कपड़े के साथ मिलाकर उसके स्थान पर लगाना है, प्रोलैप्स का जितना हिस्सा है। तो प्रोलैप्स क्या होगा, जितना जो हिस्सा होगा वो सिकुड़ जाएगा, उसका जो आकार है वो कम हो जाएगा, तो आपको फिर उसको वापस अंदर डालने में आसानी होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप नॉर्मल वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप बर्फ़ का उपयोग करते हैं सोप तो भी बेटर है, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ़ और ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, हालांकि जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है उतना ही करना है, बहुत अधिक नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं गर्भाशय पर जाइलोकेन जेल का उपयोग करना है, जिसके कारण गर्भाशय सुन्न हो जाएगा और गर्भाशय को अंदर करने में आसानी होगी। उसके बाद गर्भाशय को सिर के अंदर डालने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रहे उसके साथ गंदगी वगैरह ना जाए। तो क्या करना है कि लिग्नोकेन या फिर जाइलोजोल करके, ये देखिए जाइलोकेन करके जेल आता है या फिर जाइलोजेन या लिग्नोकेन, इस तरह की जेली आती है और उसको आप जब चारों साइड लगाएंगे प्रोलैप्स के तो वहाँ पे क्या होगा कि वो हिस्सा सुन्न हो जाएगा। सुन्न हो जाएगा तो
वहाँ पर जब आप उसको अंदर करोगे तो पशु को ज़्यादा मात्रा में दर्द नहीं होगा, तो इसलिए उसका उपयोग करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या काम करना है, गर्भाशय को अंदर डालते समय जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से हैंडल करना है, बिल्कुल आराम से हैंडल करना है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की बातें। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी, कई बार पशुपालक भाई भी गंदे हाथों से प्रोलैप्स को अंदर करने की कोशिश करते हैं, मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि छोटा मोटा प्रोलैप्स है, अगर आपके अंदर करने से, अगर आपके हाथ लगाने से या आपके उस प्रोलैप्स को अंदर करने से वो ठीक होने की संभावना है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, अपने हाथ धो लेने हैं, और एंटीसेप्टिक आपके घर में कोई ना कोई होता है उसे हाथों को साफ़ कर लेना है, और किसी कपड़े से, साफ़ कपड़े से वहाँ पर अंदर को जोर लगाना है, ताकि जब तक पशु चिकित्सक आए तो आप उसको संभाल सके। और ये ध्यान रखना है कि गंदगी नहीं जानी चाहिए, गंदगी नहीं जानी चाहिए, और ब्लड अधिक मात्रा में लॉस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट ये भी देख लेना किस स्टेज का है, अगर बहुत अधिक मात्रा में बच्चेदानी बाहर है तो तुरंत से पशु चिकित्सक को बुलाएं। अगर एकदम से पूरी की पूरी बच्चेदानी बाहर आएगी तो तुरंत कुछ एक टाइम के बाद पशु डेथ कर जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो ट्रीटमेंट, जैसे वेटनरी के प्रैक्टिशनर भाई हैं हमारे, वो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रोलैप्स के केस में। देखिए, ये ऊपर वाला तो आपको करना ही करना है, और ये जो ऊपर वाला ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल जो हमारे किसान भाई है वो भी अच्छे तरह से इस तरीके को कर सकते हैं, जब तक कि जो वेटनरी डॉक्टर है वो नहीं आ पाता है। अब हम बात कर रहे हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना है, और लोकल वेट से डिस्कस कर लें। देखिए, प्रोलैप्स के केस में हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जब इतना हिस्सा बाहर आता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस किसी न किसी रूप में प्रवेश कर जाते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक के तौर पर हम स्ट्रेप्टोपेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, बट स्ट्रेप्टोपेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में से आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो। एंटीहिस्टामाइन के तौर पर आप एविल इंजेक्शन या फिर CPM का उपयोग कर सकते हो। कैल्शियम बोरोग्लिकोनेट आपको लगाना ही है। उसके अलावा एनाल्जेसिक के तौर पर आप किसी भी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हो, और मिनरल मिक्सचर और जो कैल्शियम पाउडर होता है वो कंटिन्यूसली पशु को खिलाते रहना चाहिए। ये तो मैंने आपके साथ ये ट्रीटमेंट बताया कि ये ट्रीटमेंट प्रोलैप्स के केस में हमें करना ही पड़ता है। तो आप इसमें, मैंने आपको ये बताया है कि जैसे एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक में आप किसी भी इंजेक्शन का उपयोग कर लो जो कि दर्द के लिए काम करता है, चाहे आप मेलोक्सिकैम का कर लो, मैग्लूमाइन का कर लो, मैक्सटॉल का कर लो। उसके अलावा बोरोग्लूकोनेट तो आपको देना ही है, चाहे आप माइफेक्स दो, चाहे आप कालबोरल दो, कोई भी दो। एंटीहिस्टामिन भी है, चाहे आप एविल दो, CPM दो। एंटीबायोटिक भी मैंने आपको बता दी, स्ट्रेप्टोपेंसिलिन दो या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दो। ये मैंने आपके आइडिया के लिए बता दी, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप इंजेक्शन को बदल कर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, मिनरल मिक्सचर के ढेरों पाउडर आते हैं वो आप ऑरली पशु को खिला सकते हो, सस्पेंशन आते हैं ऑरली पिला सकते हो, कैल्शियम पाउडर आते हैं वो खिला सकते हो। इसमें किसी मेन इंजेक्शन को फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से जो आपके पास एरिया में अवेलेबल है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। कैल्शियम के इंजेक्शन लगा सकते हो, न्यूरोक्सिन लगा सकते हो, आप ट्राइबीवेट लगा सकते हो, आप मैकोवेट एक्सल लगा सकते हो इस कंडीशन में। तो ये एक नॉर्मल सा आइडिया दिया मैंने आपको ट्रीटमेंट का। इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट अब मैं आपके साथ प्रोलैप्स का शेयर कर रहा हूँ, मैं ये अपने बिहाफ पे आपको शेयर कर रहा हूँ जितने हम प्रोलैप्स के केस देखे हैं। तो जब हमने इस ट्रीटमेंट को किया तो कहीं ना कहीं जो प्रोलैप्स का केस है उसमें हमने रिजल्ट पाया, तो इस ट्रीटमेंट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये एक एक्चुअल एग्जिट ट्रीटमेंट है, सही ट्रीटमेंट है, अगर आप इसको पशु में करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये ट्रीटमेंट हम बिल्कुल उस कंडीशन में करते हैं जब पशु की जो कंडीशंस होती है, यानी कि बहुत जो रिस्की कंडीशंस होती हैं, तब ये ट्रीटमेंट है। और ये हमेशा जो, अगर आप वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं तो आप सीनियर वेटनरी की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल में लाएं, पशुपालक हैं तो आपको ये
नहीं यूज़ में लाना है। ये सिर्फ वेटनरी जो प्रैक्टिस करते हैं और जो फील्ड में काम करते हैं, यानी कि जो पशु चिकित्सक के रिगार्डिंग है, उन्हीं के लिए है। अदरवाइज़ ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट नंबर पर जो बात करते हैं, इसमें देखिए आप, ये है हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन। और हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन ये जो इंजेक्शन है, ये हार्मोन इंजेक्शन है। यानी कि अगर आपने देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने वेटनरी मेडिसिन पढ़ी होगी तो उसमें हमने जो हार्मोनल इंजेक्शन थे उसमें हमने हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का उपयोग हम कब करते हैं। उसके अलावा जिसको नहीं पता है वो उस कोर्स में जाकर देख लेना। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि प्रोलैप्स को रोकने के लिए और एबॉर्शन को रोकने के लिए हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो काम करता है, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है, उसके अलावा प्रोलैप्स की शिकायत को भी रोकता है और एबॉर्शन को भी रोकता है। तो जैसे हमारे पशु में अगर आपको लग रहा है कि प्रोलैप्स की दिक्कत आ रही है, कुछ एक समय से शुरुआती अवस्था में आपको लग रहा है कि मेरे पशु में प्रोलैप्स की दिक्कत आ रही है, तो आप पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ये जो इंजेक्शन है ये लगवा सकते हो। और कितना लगाना है आइए देखिए, ये लगाना है आपको 3 ml इंट्रामस्कुलर रूट से। उसके अलावा ये बात आपको ध्यान रखना है, गर्भावस्था के 25 दिन पहले और गर्भावस्था होने के बाद, जैसे ही बच्चा दे दिया है तो उसके 10 दिन बाद तक इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। और हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इस इंजेक्शन का उपयोग करें, क्योंकि यह पशु के लिए घातक हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। जैसे प्रोलैप्स की शिकायत क्या होती है कि हल्का सा प्रोलैप्स आपका पशु दिखा रहा है, उसके बाद ठीक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद दोबारा से दिखाता है, तो आपको पता लग गया। तो उस समस्या के समाधान के लिए अगर आप ये जो इंजेक्शन है इसको पशु में उपयोग करते हैं, तो प्रोलैप्स की जो समस्या है उसको कई हद तक ठीक किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया कि कब आपको इसका उपयोग करना है और कितना ml आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपका पशु चिकित्सक देखेगा कि पशु की क्या कंडीशन है, किस तरह से प्रोलैप्स की उसमें दिक्कत है, क्या उसमें कंडीशन है, उस हिसाब से वो इसकी डोज और लगाने का जो समय है वो आपको बताएगा। और प्रेगनेंसी मैंने आपको बता दिया कि 25 दिन पहले और 10 दिन बाद नहीं लगाना है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं फील्ड में, वो देखिए एंटीबायोटिक के तौर पर हम महत्वपूर्ण जो है हमारा, हम लेते हैं DCR डाइक्लिस्टासिन, जो कि 5 ग्राम में भी आता है और 2.5 ग्राम में भी आता है। बड़ी हमारी गाय भैंस है तो उसमें हम लगाएंगे 2 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर रूट। और ये जो प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट है, अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो 3 दिन तक आप दवाओं का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप 3 से 5 दिन तक रेगुलर वे में इस ट्रीटमेंट को कर सकते हो। देखिए डाइक्लिस्टासिन हमें इस्तेमाल में लाना है, लार्ज एनिमल है तो 2 ml 50 किलो पर लगाना है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पशु का वजन, उस हिसाब से डोज रेट को आप निकाल सकते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है और 3 दिनों तक लगातार। जो छोटे पशु हैं उसमें हमने 1 ml लगाना है 5 kg बॉडी वेट पर और इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाना है लगातार 3 दिनों तक। नेक्स्ट हम पर बात करते हैं एंटीहिस्टामाइन के बारे में। एंटीहिस्टामाइन में हम ज़्यादातर यहाँ पर अपने एविल का इस्तेमाल करते हैं। और कितना लगाते हैं, बड़े पशुओं में हम लगाते हैं 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से लगातार 3 दिनों तक। उसके अलावा स्मॉल पशुओं में हम लगाते हैं, मतलब आधे से लेकर 1 ml तक लगाते हैं इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से 3 दिनों तक। ये मैं आपको प्रोलैप्स का एग्जिट जो सही ट्रीटमेंट है प्रॉपर वे में वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। एविल के स्थान पर आप CPM का उपयोग भी कर सकते हो। और जैसे ऊपर एंटीबायोटिक के तौर पर आप जैसे आजकल जैसे सेफ्टी जोन आ रही है, ठीक है जी, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडेटिव ड्रग के बारे में। देखिए सीडेटिव ड्रग होता है, कई बार प्रोलैप्स जब हम हैंडल कर रहे हैं पशु में तो पशु बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, वो पशु ज़्यादा बाहर की तरफ जो है वो जोर लगाता है, स्ट्रेन करता है, जैसे आप अंदर डालते हैं तो जोर लगा के वो बाहर कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हम सीक्विल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। सीक्विल इंजेक्शन होता है सीडेटिव
कहने का मतलब ये है कि ये जो सिक्यूल इंजेक्शन है इसका काम ये रहता है कि पशु को शांत कर देता है, और जब आप इसको लगा देते हैं तो उसके बाद पशु शांत हो जाएगा तो आप इजी तरीके से प्रोलैप्स को हैंडल कर पाओगे। इसको कितना लगाना है, जैसे 3 से 5 ml इसको लगाना है पशु में इंट्रामस्कुलर रूट से, और उसी समय मतलब जब आप प्रोलैप्स को हैंडल कर रहे हैं तो उसी समय हमें इसका उपयोग करना है। उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है सिक्यूल इंजेक्शन लगाने की। यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं किया है, बट आप यहाँ पर जैसे कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के तौर पर आप जाइलाजिन का उपयोग कर सकते हो। जो जाइलाजिन इंजेक्शन आता है वो भी आप 2% एपिड्यूरल दे सकते हो, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो कॉक्सीजल होती है पूंछ की जो हड्डियाँ होती है वहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन वो जो है वो सीनियर वेटनरी डॉक्टर का वर्क होता है। जैसे स्विचरिंग करने की कंडीशन आती है पशु में, टांके वगैरह जब लगाने पड़ते हैं। देखिए जब प्रोलैप्स हाई लेवल पे चला जाता है, इन ट्रीटमेंट से भी नहीं होता है, बहुत अधिक हाई लेवल पर चला जाता है जिसमें पशु नीचे गिर गया होता है, स्विचरिंग करनी पड़ती है। वैसे तो इस वाली कंडीशन में भी प्रोलैप्स में स्विचरिंग करनी पड़ती है, बट कई बार नहीं करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है, ये केस के हिसाब से होता है। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, जाइलाजिन दिया जाता है 2%, और उससे क्या होता है कि पीछे वाला हिस्सा सुन हो जाता है तो इजी वे में टांग के प्रोलैप्स को हैंडल किया जा सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमने सिक्यूल का इस्तेमाल करना है और 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है, उसी समय लगाना है जब हमें इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं माइफैक्स के बारे में। माइफैक्स आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोन, जिसमें सभी चीज़ें आ जाती है। 450 ml की वो बोतल आती है, आपको पता ही है, आपको विदित ही है, और जितनी भी दवाएं हम यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इनके बारे में, इनका हमने एक एक का सही तरीके से पता किया है, क्या इनकी डोज है, कौन सा इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है या फिर नहीं है। वो हमारा पिछला कोर्स था, इसीलिए तो मैंने 30 दिन लगा के आपको वो मेडिसिन कवर करवाई, ताकि अभी जो सारा जो जोर है हमारा वो मेडिसिन के ऊपर ही है। तो अब आपको पता है कि माइफैक्स हम कब उपयोग में लाते हैं, तो देखिए 450 ml की बोतल है, 250 ml हम IV दे सकते हैं और 150 ml सब कर दे सकते हैं। अब देखिए आपको लग रहा है कि पशु गंभीर है तो 450 ml की बोतल है तो इसे आप पूरा IV भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पशु कंडीशन सही है तो आप 250 ml IV और 150 ml सबकट रूट से दे सकते हो। अब इसका क्या करना है कि जो माइफैक्स है उसको डायरेक्ट दुकान से लाकर सीधा नहीं लगाना है पशु में। इसको क्या करना है कि जितने हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी कि गर्म पानी के अंदर इसको डालना है और शरीर के तापमान तक इसको गर्म करना है, और हमेशा धीरे धीरे करके इंट्रावेनस देना है, ताकि हार्ट को, हृदय को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। मान लो अगर आप बिल्कुल सीधा देंगे तो तुरंत से 2 मिनट या 1 मिनट भी बहुत है, पशु नहीं रहेगा, पशु की डेथ हो जाएगी, क्योंकि एकदम से जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो फिर ये जो माइफैक्स है, वैसे तो ये पशु में जादुई वर्क करता है, बट अगर आप गलत तरीके से लगाओगे तो ये जितना जादुई काम करता है उतना ही इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप ग्लूकोज की तरह इसको सट करके लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया माइफैक्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई, इसका भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम मेलोक्सिकैम के बारे में देखिए। तो मेलोक्सिकैम है दर्द के लिए, और जैसे मैग्लूमाइन है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, निमोसलाइड का भी उपयोग किया जा सकता है, बट निमोसलाइड का उपयोग यहाँ पर आपने नहीं करना है। अगर आप सिक्यूल का उपयोग कर रहे हो तो आपको निमोसलाइड पैरासीटामोल नहीं लगाना है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो है जैसे मेलोक्सिकैम है, यहाँ पर आप निमोसलाइड का उपयोग कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर आप मैग्लूमाइन का, मैक्सटॉल का, इनका उपयोग भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको सही जो ट्रीटमेंट है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आप सिंपल मेलोक्सिकैम का उपयोग करोगे, 10 ml लगाया जाता है 100 kg बॉडी वेट के आधार पर, तो आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो बॉडी वेट के आधार पर। इंट्रामस्कुलर रूप से लगाना है और 3 दिन तक जो है वो आपको लगातार ट्रीटमेंट करना है। रही बात माइफैक्स की, तो माइफैक्स वैसे तो जिस दिन कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उस दिन आप लगा के देख लो, अगर आपको लगता है कि पशु में रिजल्ट मिल गया, पशु बिल्कुल ठीक है, तब तो उसी दिन ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन ख़राब है तो आप फिर अगले दिन उसको अपने हिसाब से फिर देख के, सिचुएशन देख के इसका उपयोग कर सकते हो।
वैसे तो कई कंडीशंस में जब पशुओं में ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसको क्या किया जाता है कि जैसे एक हफ्ते में लगा दिया, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट वीक दोबारा लगाया जाता है, उसके बाद पूरे एक महीने तक 4 बार जो है वो उसको लगाना पड़ता है अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। जैसे उठने बैठने में, प्रोलैप्स के बाद उठने बैठने में पशु अगर दिक्कत करता है बीच बीच में, तब इसको कंटिन्यू लगाना पड़ता है हर एक वीक में। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूरोक्सिम एम वेट। आपको पता है इसके बारे में हमने बात की थी। न्यूरोक्सिम एम वेट है जो कि आप जैसे मांसपेशियाँ में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो गया है, पेन रहता है, वीकनेस होती है, इतना अधिक जो है प्रोलैप्स का दिक्कत होती है पशु में, तो लार्ज पशु में 5 से 10 ml लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से 3 दिनों तक। छोटे पशुओं में 2 से 3 ml लगाया जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट और 3 दिनों तक ही आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद कैल्बीडी कैल्शियम का इंजेक्शन है, 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगा सकते हो 3 दिनों तक। अब कैल्बीडी भी जैसे माइफेक्स है, माइफेक्स कैल्शियम मैग्नीशियम का इंजेक्शन है, कैल्बीडी में भी कैल्शियम होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कैल्शियम अगर मान लो सुबह के टाइम आपने पशु को दिया है तो आप इसको मतलब जब आप माइफेक्स लगा रहे हो पशु में, अगर ज़रूरत है तब आप कैल्विडी भी लगा सकते हैं, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप शाम के टाइम अगर आप जाते हैं तो शाम के टाइम आप कैल्विडी का जो है वो लगा सकते हो 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट से और 3 डेज तक आप जो है वो कैल्बीडी को लगा सकते हो, क्योंकि प्रोलैप्स ऐसा केस है जो 2-3 दिनों तक जो है उसकी जो सिचुएशन है वो गंभीर रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे ओरली मिनरल मिक्सचर, ये तो हो गया इंजेक्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, इंजेक्टेबल का मतलब ये है कि ये ट्रीटमेंट तो आप तब करोगे जब आप पशु के पास अवेलेबल हो, यानी कि आप 2 या 3 दिन तक आप जाओगे ट्रीटमेंट करने के लिए, तब तक आप इंजेक्शन लगा देंगे। ओके, उसके बाद भी पशु में उन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी ज़रूरत होगी, तो हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑरली मिनरल मिक्सचर है वो भी पशु को देते रहना है। तो ऑरली जो मिनरल मिक्सचर है जो कि बेस्ट मेडिसिन है, तो उसमें आप एग्रीमिन दे सकते हो, विरबैक का आता है, 25 ग्राम ऑरली डेली दे सकते हो। उसके अलावा कैल्शियम भी आप ऑरली पशु को देना पड़ेगा प्रोलैप्स कंडीशंस में, ऑरली सप्लीमेंट, तो इसमें आप कैल्सी प्लस दे सकते हो, कैल्सफोबैट दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। इसके अलावा और बेहतरीन ब्रांड हैं अलग अलग कंपनियों के हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंजेक्टेबल सॉल्यूशन आपका 3 या फिर 5 दिन तक चलता है, बट ऑरली जो है पशु को लंबे समय तक दवाई मिलती रहेगी, तो पशु की जो मेंटेन रहेगा, मतलब यानी कि अंदर शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको रजिस्टर्ड हैं जो वही उपयोग में लाएगा, वो भी सोच समझ कर, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको प्रॉपर वे में ये जो ट्रीटमेंट है ये शेयर किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस ट्रीटमेंट से जब हमने इलाज किया तो हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। उसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट है आप किसी डॉक्टर से ले सकते हो, इसके अलावा अलग अलग तरीके से भी प्रोलैप्स में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोलैप्स की समस्या आती है आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद आती है, यानी कि जो पशु प्रेग्नेंट है जब वो बच्चा दे देता है उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोलैप्स की जो है वो समस्या आती है, सबसे ज़्यादा भैंस और गाय में बहुत अधिक आती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए इसमें अब हम प्रोलैप्स में कुछ एक बातें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए यदि प्रोलैप्स की बीमारी समय पर नहीं करते हैं तो एनिमल की जान जाने का खतरा बन जाता है। अगर टाइम से हम प्रोलैप्स की जो समस्या है या बीमारी है नहीं करते हैं, देखिए जब भी फील्ड में प्रोलैप्स का केस मिले तो तुरंत जाइए उसको हैंडल करो, पशु की कंडीशन देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल तक आप जा रहे हो और वहाँ पर तब तक जो है वो पशु का जो है वो काम खराब हो गया हो। नेक्स्ट यहाँ हम बात करें, प्रोलैप्स का जो केस होता है वो अनुभवी व्यक्ति, रजिस्टर्ड वेटनरियन जो आपको लगे कि ये कर सकते हैं उन्हीं से ही करवाइएगा, अदरवाइज़ कई बार घर में लोग खुद भी डॉक्टर बनते हैं या आसपास के भी आ जाते हैं कि मैं करता हूँ, वैसा नहीं करना है। अगर किसी ने गलत तरीके से वो कर दिया फिर उसके बाद डॉक्टर आएगा, देखिए यहाँ बात यह है कि मान लो कोई किसी को अनुभव नहीं है
और वो जाके उसको अंदर, भाई इसको क्या करना है कि अंदर ही तो डालना है, पेट बाहर आया है गाय का, सर्विक्स फेयर, उसको अंदर ही तो डालना है। तो ऐसा नहीं है। अब अंदर डालने का जो तरीका होता है वो मैं, उसकी जो वीडियो है वो मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। प्रैक्टिकली हमारे पास वीडियोस हैं, वो मैं आपको डाल दूंगा कि किस कौन बेस्ट तरीका होता है प्रोलैप्स कंडीशन में उसको अंदर धकेलने का, जिससे वो बाहर नहीं आता है। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे, बट ट्रीटमेंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अनुभवी व्यक्ति ही करे। अगर आप कोई झोला छाप या इस तरह से कोई करता है तो उसमें क्या होगा, वो गलत तरीके से करेगा, उसके बाद पशु चिकित्सक आएगा। ठीक है, और जो गलतियाँ उसने की है उसका जो खामियाजा है वो पशु चिकित्सक को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अगर पशु की डेथ होती है तो फिर जो पशुपालक भाई है वो डॉक्टर को ब्लेम करता है, तो ये गलत बात है। इसलिए ऐसा है कि पशु चिकित्सक जब तक नहीं आता है तब तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से आप करते हैं प्रोलैप्स को हैंडल तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए ट्रस्ट बनाया जाता है। कोई पशु चिकित्सक है, यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएगी। ट्रस क्या होता है? ट्रस होता है, रस्सी ली जाती है, सूत की रस्सी ली जाती है, और उस रस्सी को गाय भैंस के गले से बांधा जाता है, उसको फिर पीछे लाया जाता है, क्रॉस चेकआउट बनाया जाता है, उसके बाद वल्वा के ऊपर पूरे वल्वा और वेजाइना को कवर किया जाता है, उसके बाद उस रस्सी को जो गले वाली रस्सी होती है उसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ट्रस से मतलब ये है, मदद मिल जाती है जब पशु जोर लगाता है, खिंचाव करता है, तो रस्सी से वो एकदम फिक्स हो जाता है, जो कि कुछ एक हद तक प्रोलैप्स को रोकने में मदद करता है। कुछ एक हद तक, परमानेंट नहीं है ये, सिर्फ कुछ एक कंडीशन तक ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, प्रोलैप्स बीमारी में कंडीशन अधिक गंभीर होती है तो फिर टांके लगाने पड़ते हैं। लाइक जो सर्जरी, आप मान के चलो कि सर्जरी करनी पड़ती है, टांके वगैरह लाने पड़ते हैं, सुचरिंग वगैरह करनी पड़ती है, जो कि सीनियर वेट का काम होता है। उसके प्रैक्टिकल वीडियोस अगर मुझे मिलते हैं या डॉक्टर के साथ जब हम जाते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए ये पूरी जो पूरी जानकारी थी, ये थी हमारी प्रोलैप्स बीमारी के ऊपर, कितनी कंडीशंस होती हैं, कैसे डायग्नोसिस करना है, पूरा मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो कोर्स है, इस तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी हर एक बीमारी में। मिल्क फीवर है, डाउनर काउ सिंड्रोम है, कीटोसिस है, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा है, प्रोटोजोल बीमारियाँ कोई भी है, थैल्योरियोसिस है, बबियसियोसिस है, ट्राइपैनोसोमियासिस है, पशुओं में बुखार आ गया है, टांगों में सूजन है, पशु में थनैला रोग हो गया है, पशु चारा नहीं खा रहा है, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, लगभग लगभग 3 महीने का ये कोर्स है। तो इस तरह से हम हर एक बीमारी को जब कवर करेंगे, पूरे ट्रीटमेंट के साथ बात करेंगे, तो आपको फील्ड में डायग्नोसिस भी बेहतर होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। आप देखिए इसके बारे में, कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। वेटनरी मेडिसिन का हमारा जो कोर्स था वो समाप्त हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स चल रहा है वो है हमारा गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट कुत्ते और बिल्ली में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने आज किया उनका, लाइक हर एक चीज़, उसके सिम्टम्स कैसे वो फैलती है, उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, हर एक चीज़ उसका हम प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट, प्रैक्टिकली कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं फील्ड में जाकर, कौन से इंजेक्शन मेडिसिन लगाते हैं, वो सारी की सारी बात करेंगे। और ये जितनी भी PDF फाइल होगी वो भी साथ ही साथ आपको मिलेगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि WhatsApp पर मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भेज के इलाज वगैरह पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा। तो देखिए कोर्स आपका 3 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। 3 महीने में हम सारी वेटनरी जो डिजीज़ हैं पशुओं में वो कवर कर लेंगे। उसके अलावा 9 बजे हम क्लास आपके लिए छोड़ेंगे, लिंक व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद संडे के दिन मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस ना लगा कर आपके साथ लाइव आया जाए, ताकि जो डाउट हैं वो क्लियर किए जा सके। रविवार को हम डाउट सेशन कर लेंगे, उसके अलावा रविवार को क्लासेस जो है वो ऑफ रहेगी। कोर्स लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में रहेगा, और PDF फाइल जो है आपकी वो भी हिंदी में रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स का
प्राइस क्या रहेगा? देखिए, जो नए नए स्टूडेंट रहेंगे, जैसे कि जिन्होंने हम अभी तक मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए 1599 है, ऑफिशियल प्राइस है, 3 महीने का कोर्स है, तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसमें क्या है कि जिन्होंने हमसे कोर्स लिया है, जैसे वेटनरी मेडिसिन का जो कोर्स है वो लिया है, तो उनके लिए इसका जो प्राइस है वो इतना रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इस प्राइस में आपको जो कोर्स है वो मिलेगा, जिन्होंने हमारा हमसे वेटनरी मेडिसिन का कोर्स लिया है। और जो बिल्कुल नए रहेंगे उनके लिए ये प्राइस रेंज है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप दो बंदों को जुड़वाते हैं तो भी आप ये जो पे है वो कर सकते हैं। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 1 आवर के आसपास, यानी कि 1 घंटे के जो करीब है वो आपकी क्लास लगेगी, यानी कि 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच हमारी डेली 9 बजे क्लास लगेगी। उसमें हम पूरी एक एक जो डिजीज़ है उसको अच्छी तरह से पूरा कवर करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का आप में कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये जो ट्रीटमेंट है, ये मैंने आपको बिल्कुल सटीक ट्रीटमेंट जो बता दिया है। इसमें आपको क्या जानना है, इंजेक्शन के नाम मैंने आपको बता दिए, कौन सा इंजेक्शन लगाना है सबसे अच्छा रहेगा, उसके बाद डोज रेट भी बता दी कि कितना ml पशु को लगाना है, छोटे में कितना लगाना है, बड़े में, ये भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि यार कितने दिनों तक करना है, 2 दिनों तक करना है, 3 दिनों तक करना है, 5 दिनों तक करना है, लगाना कैसे है वो भी हमने बात कर ली। यानी कि इस तरह का कोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ही कोई आपको प्रोवाइड करवाए, वो भी सभी बीमारियों के ऊपर। और तो इस जो क्लास को है वो हम यहीं पर एंड करते हैं, ये एक डेमो क्लास है। और मैं गुजारिश करूंगा सिर्फ वही लोग मैसेज करें जो कि इच्छुक हों, ठीक है। जो लोग इच्छुक हैं वही मेरे को मैसेज करें, मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है व्हाट्सएप पर। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना बेकार के ऐसे ही बातें करते हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, प्राइस रेंज मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अगर ज्वाइन करना है तभी मैसेज करें, अदरवाइज़ आवश्यकता नहीं है, ठीक है।